देखो भाई तरफ मोल कंसेप्ट एंड स्टोकोमेट्री आप ज़रा ध्यान से सुनिए कि कौन से कौन से टॉपिक्स आपने करने जिनमें आपने फोकस रखना है इस पर क्वेश्चन आएगा आएगा मोल कंसेप्ट एंड स्टोकोमेट्री में हर साल सिक्स टू एट मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसान टॉपिक है एक प्रॉब्लम है इस टॉपिक में जो मिस्टर दलाल हैं उन्होंने इस टॉपिक की भजिया बना दी है भजिया समझते हैं भजिया समझते हैं जी भजिया बना दिए तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर दी सर ने ये एक पी डीओ भेजूंगा मैं आपको ये किसी दूसरी बुक का स्कैन है इसमें स्मॉल एग्जाम्पल बहुत है तो जो जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसके जो शॉल्ट एग्जाम्पल है वो यहाँ से आपने करना है मैं जो क्वेश्चन है वो मार्क भी कर दूंगा ये समझ आ गया अब जरा ध्यान से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आना ही है एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा हिट है वो ये है गे लुजैक्स लॉ ऑफ कम्बाइनिंग वॉल्यूम्स इसकी डेफिनेशन भी आती है इसके बेस में नूमेरिकल भी आता है ये बात समझ आ गई तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक नूमेरिकल डिटेल में आज डिस्कस भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए वो तो ये गे लुजैक्स का एक नूमेरिकल है ये डिटेल में हम डिस्कस भी करेंगे तो ये तो आपने करना ही करना है मोल कंसेप्ट में अभी कोई डाउट है एक और अंडरस्टैंडिंग हम अभी करेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम ये अभी डिस्कस करेंगे बट ये हमें समझ आना चाहिए यहां तक कोई डाउट है तो गेल उसाइक्स लॉ का काफ़ी जो लिंकेज है वो यहाँ मोलर वॉल्यूम के साथ है तो याद रखिए गेर लुजैक्स लॉ का डेफिनेशन पूछ सकते हैं मोलर वॉल्यूम का डेफिनेशन पूछ सकते हैं गेयर लुजैक्स लॉ के बेस पे गेयर लुजैक्स लॉ ऑफ कम्बाइनिंग वॉल्यूम के बेस पे एक नुमेरिकल भी आ सकता है यूजली पूछते हैं ये यह यहाँ लिखा हुआ ना स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन नुमेरिकल भी पूछ लेते हैं यहाँ तक समझ आ आएंगे लिखा हुआ ना सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द मोलर वॉल्यूम एंड गेर रुज लॉ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक कोई डाउट है टमसिटी अभी आपको समझा दिया ठीक है एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला इसको रख लो भैया जो मोलिकुलर मास है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है ये बहुत ही सिंपल है कैसे करके आता है आता जरूर है और ऐसे करके आता है द वेपर डेंसिटी इज दिस द वेपर डेंसिटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच वॉट ठीक है अब इसमें सिंपल आपने ये जो फार्मूला है ये फार्मूला नोट कर लेना है अभी थोड़ी देर में नोट कर लेना इसको मोलिकुलर मास इज ऑफ वेपर डेंसिटी तो वेपर डेंसिटी जो है तो जैसे ये वाला जो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाया था इसमें आप इसका मोलिकुलर मास निकाल लेंगे उसको डिवाइड बाय टू कर देंगे जो भी आएगा वो उसकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी बात समझ आएगी क्वेश्चन पक्का आएगा फिर एक और टॉपिक जो हिट टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है डिस्कस तो करेंगे चिंता मत कीजिए इम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला ये क्या होता है क्या नहीं होता अभी डिस्कस करेंगे ओके okay. फिर देखिए फिर मोल कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं मोल कंसेप्ट एवोकेटर लॉ और केमिकल इक्वेशन दी जाती है अब केमिकल इक्वेशन जब वो देते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं या तो केमिकल इक्वेशन में मोलर क्वेश्चन पूछ लेता है या मोलर वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछता है केमिकल इक्वेशन देता है अब जो आते हैं वो वो कैसे आते हैं वो देख लीजिए जैसे वेपर डेंसिटी का आपको बताया ये ट्वेंटी थ्री का पेपर है इसमें वेपर डेंसिटी का पूछा हुआ है अब मैं जो आपको बता रहा था कि मोलर वॉल्यूम का और गेयर लूज लॉ और वो सबका जो वो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा ऐसा ही केमिकल इक्वेशन दी जाएगी आपको वॉल्यूम्स दिए जाएंगे जैसे ही आपने केमिकल इक्वेशन के साथ वॉल्यूम देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रेशो मोलर वॉल्यूम और वो सब गेल उजा लॉ उसका जो है वो एप्लीकेशन होगा यहाँ तो कोई डाउट है ये देखिए ट्वेंटी थ्री का ही पेपर है उसमें गेल लुजाइक्स लॉ पे कंबाइनिंग वॉल्यूम का डेफिनेशन पूछी है स्टेट पूछा फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात की मोलिकुलर फॉर्मूला की बात की उस पर भी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया दो नंबर का क्वेश्चन आया अगर आप ये 2024 का पेपर है ये 2025 का स्पेसिम पेपर है इसको भी अगर आप एनालिसिस करेंगे तो स्टॉकोमेट्री में कम से कम छह आठ नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये देखिए एक और क्वेश्चन जो बनता है जैसे 23 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन आ, इस कंपाउंड में ये भी आसान है ज़्यादा मुश्किल नहीं है एम्पेरिकल फॉर्मूला का फिर से उसने क्वेश्चन पूछा हुआ समझ पा रहे हैं तो आपको समझ आता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए फिर से एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है वॉल्यूम के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा तो मतलब जैसे ही वो वॉल्यूम के बेस पे क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको मोलर वॉल्यूम और वो सब जो ताम झाम है वो आपके दिमाग में घंटी बचानी चाहिए जैसे यहाँ लिखा है ना टू प्रोड्यूस सेवन फिफ्टी एम एल ऑफ सी ओ टू वैंड टू वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन मोनऑक्साइड वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन तो जैसे ही आपसे ये पूछा गया आपके दिमाग में घंटी बचनी चाहिए यार ये गे लुजैक्स लॉ के रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ लिखा मैंने स्टेट द लॉ एसोसिएटेड इन क्वेश्चन नंबर वन तो आपको पता होना चाहिए गे लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइंड वाली पूरा लिखना है आपने सिर्फ गे लुजैक्स गे लुजैक्स करके नहीं आगे भाग जाना ये पूरा लिखना है लुजाइक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, सी एल एल सी वी पूरा लिखना आपने सिर्फ गेजायक्स लॉ नहीं लिखना ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे नंबर ऑफ ऑफ मोल्स इन ग्राम नाइट्रोजन गैस आपको पता है प्रैक्टिस की है आपने परसेंटेज के ये ट्वेंटी का पेपर है इसमें परसेंटेज के बेस पे ये आपको एक कंपाउंड दिया गया सोडियम अल्मियम क्लोराइड उसमें फ्लोरीन का परसेंटेज सोडियम का एल्युमिनियम का परसेंटेज फिर से वेपर डेंसिटी इनका फेवरेट टॉपिक है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या और जो फॉर्मूला है वो सिंपल मालिकुलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू टू वेपर डेंसिटी पूछा तो मोलर मास निकाल लीजिए डिवाइड बाई टू कर लीजिए वो वेपर डेंसिटी हो जाएगी बहुत ही सिंपल है या कुछ भी ऊट पटांग जो भी करते हैं वो पूछते रहिए इसमें थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन अच्छा बनाया बट लॉजिक सेम ही है नंबर ऑफ नो मोल्स प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ एन ये भी निकाल सकता है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फ्लेवर बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2019 का नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस मास ऑफ 1022 ट्वेंटी टू पे बेस मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ये मोलिकुलर और एम्पेरिकल अभी समझा देता तो हूँ चिंता मत कीजिए फिर से देखिए एक इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन में अब मोलर मास नहीं है अब वो बा, कुछ बात कर रहा है मास की वॉट मास ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड अब कुछ मास की बात कर रहा है बट फंडा जो है वो समझिए इक्वेशन दी जाएगी या तो उसमें मोलर वॉल्यूम लगेंगे या उसमें मोलर मास लगेगा बात समझ आ गई अगर मोलर वॉल्यूम लगेंगे तो याद रखिए गेल लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है और मोलर मास है तो वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आपने करना फिर से ये टू का है फिर से एम्पेरिकल फॉर्मूला मालिकुलर फॉर्मूला की बात चल रही है फिर से देखिए वेपर डेंसिटी फिर से आ गया अगर आप देखेंगे वेपर डेंसिटी ऑलमोस्ट हर साल ही पूछ रहता है परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहा है एम्पेरिकल फार्मूला की बात कर रहा है एक इक्वेशन दी हुई है अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसने बनाया है जिसमें मास की भी बात कर रहा है और फिर वॉल्यूम की भी बात कर रहा है फिर से एक इक्वेशन दी हुई है 2018 का क्वेश्चन है अगर आप देखेंगे ये भी उसका हिट क्वेश्चन है हर बार वो इक्वेशन देता है और उस इक्वेशन के बेसिस पे एक न्योमेरिकल सॉल्व कराता है टॉक्यूमेट्री तभी आपको कह रहा हूं कि ये आसान टॉपिक है एक बार आपको समझ आ गया नंबर आपके पक्के हैं, कहीं जाने नहीं वाले सी सी मतलब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब अभी करेंगे इसकी डिस्कशन करेंगे वो मैं बंदे की वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट बात हो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये जो है ये टोटल इसको बोल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो so बेसिकली जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा इसका मोलिकुलर मास निकाल के टोटल मोलिकुलर मास से डिवाइड करके इन टू हंड्रेड फिर से देखिए एम्बेरिकल फार्मूला वेपर डेंसिटी मोलिकुलर फार्मूला हिट क्वेश्चन बार बार ये कौन से साल का है ये 2017 का है का मतलब ऑलमोस्ट पिछले पांच दस साल सेम ही क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं फिर से देखिए इक्वेशन दी गई है उसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है इक्वेशन दी उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। वही समझ आ गया ये समझ आ गया कि इस डॉक्यूमेंट्री में कैसे क्वेश्चन पूछता है वो ये अगर आपको समझ आ गया तो अब मैं आपको जैसे मोलर मास का कुछ एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ये जो है ये मोलर वॉल्यूम के बेस पे जो इक्वेशन दी है और मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज हो रहा है इसमें इक्वेशन दी है और मोलर मास का कंसेप्ट यूज हो रहा है ये जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज कंपोजिशन का फंडा यूज हो रहा है ये जो क्वेश्चन है इसमें एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर मास एम्पेरिकल मोलिकुलर मास का फंडा यूज़ हो रहा है अब ये एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा अब आप समझदार आदमी हैं आपका जो होमवर्क है अब दोबारा से मैं आपको चेंज नहीं करूंगा कि भैया हुआ नहीं हुआ ये पूरी के पूरा जो पीडीएफ है आपके साथ शेयर किया गया इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपने करना है 2024 का पेपर मतलब इस साल का आई का पेपर आपके साथ शेयर हो जाएगा जितने टॉपिक्स आपके हो चुके हैं वो सारे आपको करना है आपका दिवाली होमवर्क है अगले साल का 2025 का स्पेसिमेंट पेपर जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा आपका दिवाली होमवर्क है वो सारा का सारा पेपर करिए है आपके पीछे मैं नहीं भागूंगा सर आप जैसे मर्जी कीजिए पैर ऊपर करके मुंह नीचे करके जैसे मर्जी कीजिए बट कीजिए मैं आपके पीछे नहीं भागूंगा कि वो थर्फ जी किया नहीं किया आप मेरे पीछे भागी कि सर मुझे ये नहीं आया मुझे समझाइए बात समझ गई